नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम तिवारी। इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां जिले का सबसे चर्चित जनपद पंचायत रीवा है, जहां भ्रष्टाचार की फाइलें जांच अधिकारियों के सामने धूल खा रही हैं। हाल तो यह है कि जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुनकर अपने विकास कार्य करवाने की जिम्मेदारी दी थी, वह भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। यह आरोप हम नहीं बल्कि जनपद सदस्यों के द्वारा लगाए गए हैं। दरअसल रीवा जनपद पंचायत के 20 सदस्य कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर जनपद अध्यक्ष संगीता राजेश यादव के खिलाफ शिकायत की है। जनपद सदस्यों ने बताया कि 15वें और राज्य वित्त की राशि 20% कमीशन लेकर 2-3 जनपद सदस्यों को राशि जारी की गई है। साथ ही अपनी पंचायत में 2 करोड़ से अधिक राशि खर्च किया गया है, जबकि अन्य सदस्यों को कोई फंड नहीं मिला। हद तो यह है कि बैठक नहीं होती, लेकिन कार्यवाही में अन्य जनपद सदस्यों के हस्ताक्षर कराए गए हैं। उन्हीं जनपद सदस्यों ने शपथ पत्र के साथ रीवा कमिश्नर, जिला सीईओ, कलेक्टर से शिकायत कर उक्त भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मांग की है। आपको बता दें कि जनपद अध्यक्ष संगीता यादव के पति राजेश यादव अध्यक्षी करते हैं। कई बार जनपद सदस्यों ने विरोध किया, लेकिन राजनीतिक पहुंच के चलते बैठकों में जनपद सदस्यों के साथ साथ कर्मचारियों को भी निर्देश उनके पति राजेश यादव देते देखे गए थे। अब जनपद सदस्य एकजुट होकर जनपद अध्यक्ष संगीता राजेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आइए आपको सुनाते हैं कमिश्नर कार्यालय पहुंचे जनपद सदस्यों ने संगीता राजेश यादव के खिलाफ किस तरह से आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कार्यवाही की बात कही है। हमारा नाम है श्रवण मोहन लाल मिश्रा, जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 10। हमारे जनपद रीवा में संगीता राजेश यादव जनपद अध्यक्ष हैं, जो कि नाम मात्र की हैं। सारा काम उनके पति करते हैं, राजेश यादव। उन्होंने जो है तो सभी जितने मेंबर हैं 25 लोग, जो जनपद सदस्यों को 15वां वित्त और राज्य वित्त की राशि प्रतिवर्ष 5-6 लाख रुपए मिलती है, वो सारी की सारी राशि जो है तो उन्होंने 30% 20% कमीशन लेकर 2-3 जनपद सदस्यों को प्लस अपनी पंचायत कुल्लू में सर्वाधिक राशि 2 करोड़ के आसपास वितरण कर लिए। ये सारे हमारे सभापति और जनपद सदस्य हैं, जो कि इनके अनुमोदन में गोरी कार्यवाही में बताते हैं हस्ताक्षर कराए गए हैं, जबकि कोई बैठकें नहीं हुई। हस्ताक्षर होने का प्रश्न ही नहीं है। सभी सदस्यों ने जो है संयुक्त रूप से, हम लोग 22 लोग शपथ पत्र दिए हैं। माननीय कमिश्नर महोदय ने SDM रीवा को निर्देशित किया है कि इसकी जांच करें और जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करें। आज हम लोग इसी बात को लेकर माननीय आयुक्त महोदय रीवा, संभाग रीवा और कलेक्टर महोदय रीवा और जिला पंचायत मुख्य कार्यपालनाधिकारी महोदय से मिलकर और रीवा जनपद में किए गए भ्रष्टाचार और सम्मान जो निधि है उस पर बंदर बांट जो किया गया है, उसके संबंध में हम लोग स्वयं मिलकर इस बात का ज्ञापन दे रहे हैं। जांच जी, जांच के लिए और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो, और यदि यहां से हमको न्याय नहीं मिलता तो हम सारे लोग जो है तो न्यायालय शरण लेंगे और इन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे सारे जनपद सदस्य और धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसा हम लोगों ने आपस में निर्णय लिया है और ये बार बार जो है तो बैठक करते हैं। बैठक के दिन ही अध्यक्ष महोदय के पति जो है बैठक स्थगित कर देते हैं अपने चैम्बर में बुलाकर। आप देखेंगे रीवा जनपद में 2 जनपद अध्यक्ष की कुर्सी रखी है, जिसमें जनपद अध्यक्ष एक बैठती है, एक में जनपद अध्यक्ष के पति बैठते हैं। जनपद में वो कोई पद में नहीं है और बैठक लेते हैं। तो हम लोगों ने माननीय कमिश्नर महोदय को पत्र दिया है कि बैठक जो है अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी, नहीं तो हम लोग उनके पति का विरोध करेंगे। ऐसा हम लोगों ने निर्णय लिया। आप लोग कमिश्नरी ऑफिस आए हैं किस लिए? मेरा नाम रूपा सीपी सिंह है, मैं वार्ड क्रमांक 8 से हूँ। हम लोग वो लेके आए हैं कि वहाँ मीटिंग रखते हैं अध्यक्ष और माननीय अध्यक्ष जी, और मीटिंग एन बॉक्स में मना कर देती, बोलती आज कैंसिल है। और राशि का आपने आवंटन हमारे किसी भी जनपद सदस्य को कोई जानकारी नहीं है, वो राशि आवंटन कर ली है बस इसी अध्यक्ष और सीओ मिलके राशि को आवंटन कर लिए हैं, इसी सब के उसमें यहाँ आए।
जनपद सदस्य वार्ड नंबर 6। कौन सी समस्या लेके यहाँ कमिश्नर? मेरी समस्या है कि जो आज 18-19 महीने हो गया तो अध्यक्ष जी ने हम लोगों का जो राशि गांव में आती है काम कराने के लिए पंचायतों में, उसमें आज तक किसी को नहीं मिली, यही किसी सदस्य को, और पैसा निकल भी चुका अब मालूम नहीं पड़ रहा है। इसी के हम संबंध में हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए। ज्ञापन किस चीज़ के दिए? जांच का क्या करने जा? जांच करने के लिए। तो क्या बोले कमिश्नर साहब? तैयार है, करवाएंगे।